स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर यांनी काँग्रेसचा निषेध केलाय. काँग्रेसने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर पुन्हा एकदा आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसवर कारवाई करावी अशी मागणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर यांनी केली. कांग्रेस सावरकर जी के अगेंस्ट बार बार उनकी बदनामी तो करती रही अपनी सत्ता के राजनीति के तहत, मगर ऐसे घटिया आरोप करके वो इतनी नीचतम लेवल तक आएंगे ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था. और केवल इसका निषेध पर्याप्त नहीं है, और मुझे लगता है कि इसके लिए उद्धव ठाकरे से मेरा अपील है कि आप तुरंत उनके अगेंस्ट गुनाह दाखिल करें सेक्शन 120, सेक्शन 500, सेक्शन 503, 405 और 506 के तहत, और उन्हें अरेस्ट करें. पूरी हदें पार कर दी है, और अभी ये समय है कि उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा था कि सावरकर जी का अपमान करने के लिए जूते से मारना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो अपना वचन पे कायम रहेंगे. तो आज जूते मारने की जरूरत नहीं, उनके हाथ में सरकार है, वो पुलिस को आदेश दे और उनको बोले कि इनको अरेस्ट करें. मुझे एक ये है ताजुब कि इतना होने के बाद भी आज शिवसेना क्यों नहीं कुछ कर रही है. तो ये अभी समय आ गया कि शिवसेना अभी तय करना है कि हमें सत्ता चाहिए या हमें तत्वज्ञान चाहिए, और उन्होंने यही मौका है कि उन्होंने अभी कुछ करना है. तो फ्रीडम एट मिडनाइट ने जब ये छापा तो उसके ऊपर सावरकर जी के सुपुत्र विश्वासराव सावरकर, उनके भतीजे विक्रम सावरकर ने केस की थी, कानूनी कार्रवाई की थी, और उसके पब्लिशर विकास पब्लिकेशन ने लिखित रूप से माफ़ी मांगी है और आगे के एडिशन से ये पैराग्राफ निकाल दिया है, और सावरकर स्मारक को 2 लाख रुपये का डोनेशन भी दिया है. तो मुझे नहीं लगता कांग्रेसी लोग इतने बेवकूफ़ के भी छप के आए तो विदाउट वेरिफिकेशन वो कुछ करे, मगर वो जानबूझ के कर रहे हैं और इसीलिए उनके अगेंस्ट कार्रवाई होना चाहिए.